हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके भी चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसे 6 कारण बताए हैं जिनकी वजह से आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है या लंबे समय से रिव्यू में पड़ा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं उन 6 पॉइंट को जिनकी वजह से आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे डेली अपलोड करता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचेगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि डिसलाइक करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या कमी नज़र आया जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को डिसलाइक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 3 महीने 18 दिन के बाद मेरे इस चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ। तो इन 3 महीने 18 दिन के अंदर मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। दोस्तों, वैसे तो रीज़न कई हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन रीज़न है, मैं यहाँ पर आपको 6 रीज़न ऐसे बताऊंगा जिसको यदि आप सही कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भी चैनल का मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द इनेबल हो जाएगा। दोस्तों, उन 6 रीज़न में से पहला रीज़न ये है कि यदि आपके चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड है जिनमें कि कॉपीराइट मटेरियल हो सकता है तो आप उन वीडियो को जल्दी से जल्दी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का पहले का पॉलिसी अलग था और अभी का पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गया है। इसलिए यदि किसी भी YouTube चैनल का यदि मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है तो यदि उस चैनल पे किसी भी प्रकार का कॉपीराइट मटेरियल पाया जाता है तो उस चैनल का मोनेटाइजेशन कभी भी इनेबल नहीं होगा। और कॉपीराइट मटेरियल में वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है या कॉपीराइट वाला इमेज हो सकता है। यदि आपके किसी भी वीडियो में ऑडियो, वीडियो या इमेज कॉपीराइटेड है तो उन वीडियो को आप जल्दी से जल्दी डिलीट कर दीजिए ताकि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द इनेबल हो जाए। दूसरा पॉइंट भी लगभग इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, यदि आपके वीडियो में कोई भी रीयूज वीडियो है तो आप उन वीडियो को भी डिलीट कर दीजिए, यानी किसी के वीडियो को आपने कॉपी किया है और उस वीडियो का कुछ पार्ट या पूरा वीडियो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और आपने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है तो आप ऐसी वीडियो को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यदि आपके चैनल पर ऐसी वीडियो रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके चैनल का मोनेटाइजेशन कभी भी इनेबल नहीं होगा। ऐसी वीडियो चाहे आपके खुद की वीडियो क्यों ना हो, यदि आपने खुद ही वीडियो बनाया है और वो वीडियो आपके चैनल पे अभी भी मौजूद है और आपने उस वीडियो को कॉपी किया और उसका कुछ भाग दूसरे वीडियो में जोड़कर और उसको अपलोड कर दिया तो ऐसी वीडियो को रीयूज्ड वीडियो कहते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक ऐसी वीडियो चल जाती थी जिन वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो वीडियो पहले से YouTube पर उपलब्ध है उन्हें कोई भी दोबारा यूज नहीं कर सकता है, चाहे उस पर कॉपीराइट क्लेम आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी वीडियो को रीयूज कंटेंट मानते हैं और ऐसे चैनल को कभी भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, इसलिए आप ऐसी वीडियो को तुरंत डिलीट कर दें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, आप उन वीडियो को भी तुरंत डिलीट कर दें जिनमें कॉपीराइट क्लेम हो या कॉपीराइट स्ट्राइक आया हो, चाहे उन वीडियो पे हज़ारों या लाखों व्यूज क्यों ना हो। ऐसी वीडियो यदि आपके चैनल पे रहेंगे तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन कभी भी इनेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उसी वीडियो की वजह से आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल ना हो रहा हो, इसलिए आप ऐसी वीडियो को तुरंत डिलीट कर दें। क्योंकि ऐसी वीडियो का हमारे चैनल पर रहने का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन कभी इनेबल ही नहीं होगा। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, यदि आप उन वीडियो में किसी प्रकार का सुधार कर दें जिससे कि उस वीडियो पर जो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था वो कॉपीराइट क्लेम हट जाए, तो ऐसी हालत में आपकी वह वीडियो बच सकती है। और चौथा पॉइंट यह है दोस्तों कि आप उन वीडियो को भी डिलीट कर दें जिन वीडियो में आपने हैकिंग क्रैकिंग के बारे में बताया है, जैसे किसी के अकाउंट को हैक करना या किसी ऐसे एप्लीकेशन को हैक करना जो एप्लीकेशन पेड हो। यदि आपके चैनल पर ऐसी वीडियो हैं तो उसको भी आप तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि अब हैकिंग क्रैकिंग की वीडियो YouTube चैनल पर बिल्कुल नहीं चलती हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आए कि बहुत से लोग ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ऐसे चैनल
हो सकता है कुछ देर के लिए वे चैनल बच जाएं, लेकिन ऐसे चैनल जिनका मोनेटाइजेशन अभी इनेबल ही नहीं है, तो उन चैनलों पे हैकिंग क्रैकिंग की वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगी। इसलिए आपके चैनल पे यदि हैकिंग क्रैकिंग की वीडियो है तो आप उसको जल्दी से जल्दी डिलीट कर दें। इसके अलावा यदि आपके चैनल पे कुछ ऐसी भी वीडियो हैं जिनमें आपने ये बताया है कि किसी भी पेड मूवी को कैसे फ्री में डाउनलोड करें, तो ऐसी भी वीडियो को आप अपने चैनल से डिलीट कर दें, क्योंकि उन वीडियो से आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे वो वीडियो कितनी भी आपको व्यूज़ दे दें, कितने भी वॉच टाइम दे दें, लेकिन उन वीडियो से केवल आपको नुकसान ही होगा। मेरे चैनल पे भी एक ऐसी ही वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि एक पेड एप्लीकेशन को फ्री में कैसे ले सकते हैं, और मेरे उस वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ थे और काफ़ी अच्छी रन भी कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल के 13 वीडियो को डिलीट किया है। मुझे किसी भी वीडियो में डाउट होता था कि इस वीडियो में कोई कॉपीराइट मटेरियल है या हैकिंग क्रैकिंग का कोई भी शब्द उसमें हमने यूज किया है, तो ऐसी वीडियो को मैंने अपने चैनल से पूरी तरह से हटा दिया, और जिसका नतीजा ये है कि आज मेरा चैनल 3 महीने 18 दिन के बाद मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। और पांचवा पॉइंट ये है कि यदि आपने किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा लिंक दिया है जिस लिंक पर क्लिक करने से किसी प्रकार की हैकिंग या क्रैकिंग होती हो, तो ऐसे लिंक को आप अपने उन वीडियो से तुरंत हटा दीजिए। यानी अपनी सारी वीडियो को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, टाइटल लिखने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में या टैग डालने में कोई ऐसा गलती किया है तो उसको आप जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए। और छठा पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि आप मेरी तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाते हैं, फेस स्कैम की वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आप अपने चैनल को रिव्यू में भेजने से पहले अपने मोबाइल के कैमरे से या किसी भी कैमरे से ऐसी वीडियो बनाइए जो कैमरे से रिकॉर्ड हो, और ऐसी वीडियो को 5-7 वीडियो 10 वीडियो अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दीजिए, उसके बाद ही अपने चैनल को रिव्यू में भेजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक काम करना है कि 2 मोबाइल लीजिए और एक मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग कीजिए और दूसरे मोबाइल में आप जो भी बताना चाहते हैं आप दूसरे मोबाइल में बताइए, लेकिन आप कैमरे का यूज़ ज़रूर कीजिए उसमें, और हो सके तो आप किसी कैमरे से या अपने मोबाइल के कैमरे से किसी सामान का या किसी मोबाइल का या किसी भी आइटम का रिव्यू करके और बाकायदे अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करके और वीडियो बनाकर अपने चैनल पे पहले अपलोड कर लीजिए। जब 5-7 वीडियो या 10 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं उसके बाद ही अपने चैनल को रिव्यू में भेजिए। यदि आपने अपने चैनल को पहले से रिव्यू में भेज दिया है और आपके चैनल पे सारी की सारी वीडियो केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे 4-5 वीडियो या 10 वीडियो जितना हो सके उतना वीडियो आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके या कैमरे से रिकॉर्ड करके और वीडियो को बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए, तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी इनेबल हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने दोनों चैनलों से एक बात का अनुभव किया हूँ कि जिस चैनल पे कैमरे का यूज करके वीडियो बनाया जाता है उस चैनल का मोनेटाइजेशन जल्दी इनेबल होता है, और जिस चैनल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की केवल वीडियो अपलोड की जाती हैं उस चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने में कुछ समय लग जाता है। क्योंकि मेरा जो पहला चैनल है उस चैनल पे रेसिपी की वीडियो अपलोड होती हैं और रेसिपी की वीडियो जो है मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, इसलिए उस चैनल का मोनेटाइजेशन मात्र 4 दिन के अंदर ही इनेबल हो गया था, जबकि मेरे इस चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने में 3 महीने 18 दिन लग गए। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को आज बताई, इन बातों पर आप अमल ज़रूर कीजिए और अपने चैनल पर ये सारे सुधार कर लीजिए, उसके बाद ही अपने चैनल को रिव्यू में भेजिए। यदि आपका चैनल पहले से रिव्यू में गया हुआ है तो भी आप इन सारी बातों को अपने चैनल पर सुधार कर लीजिए, उसके बाद पाएंगे कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द इनेबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी अपने चैनल पर ये सारे सुधार किए, लेकिन ये सारे सुधार मैंने रिव्यू में जाने के बाद किया, जिसकी वजह से मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने में इतना टाइम लग गया। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यदि आपके चैनल का एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है तो उसे कैसे अप्रूव करा सकते हैं। यदि आप अपने चैनल का एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।